सामने और हम सब खुले के घर में ढाबे पे भागे। हाँ सब बचा हुआ, हम सब ढाबे पे भागे। हमारे घर तो कोई ऐसी हालत हो गई हमारी तास की, हमारे बच्चे रोते थे सब, हम सब ऊपर भागे। फिर अल्लाह ने हिफाजत करी। आपका कारण क्या बताया? वो नहीं पता, मैं कारण नहीं पता, हम तो सो रहे थे नींद में, से उठ के भागे। कभी ये रमजान का महीना है और आप और हम देखो बारह शहरी का टाइम है, हमारा रोजे भी गए। हमारे कलकत्ता बड़ा जुम्मा का दिन का रोजा था, सब हमारा रोजे भी चले गया। आग लगी नहीं लगाई गई है, अगर दो मिनट भी दे जाती तो पब्लिक अंदर ही अंदर मर जाते। वो तो रमजान का मुबारक महीना है तो पब्लिक ऊपर चली गई जागते जागते, कोई अंदर सोता रह जाता तो मर ही जाता। लगाई गई है आग। कितने बच्चे थे आपके यहाँ? मेरे दो बच्चे थे और दो हम हस्बैंड वाइफ, चार जने थे। अभी मेरी बच्ची गुम हो जाती तो मर जाती। अभी आप लोग सब सुरक्षित हो? हाँ अभी सुरक्षित है हम। जी क्या कहोगे, आप इस फ्लैट में रहते हो, आज की घटना आई है सामने, क्या वजह हो? देखो ये तो मेरे रब का, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि रमजान की फजीलत से हमारे फ्लैट के अंदर 70 मकान है, 70 मकान की जान अल्हम्दुलिल्लाह सबको कोई जान हानि नहीं हुई है, सबकी जान बची है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन हमारे फ्लैट में, हमारे फ्लैट के नीचे पार्किंग में जो नीचे चरस दारू गांजा जुगाड़ हर चीज़ होती है, और ऐसा सुनने में आता है कि हमारे फ्लैट का जो हैंडलिंग कर रहा है उसको एक इंसान बोल के गया था कि पूरे फ्लैट को जला दूंगा, तो उसका काम था पुलिस चौकी में जाके बोलना कि भाई इस तरह से मुझे धमकी देके गया है, ये उसके फर्ज में आता था। आज 70 लोगों की, 70 मकान के अंदर लोग गिन लो, रूम एक मकान में रूम डिवाइड करो पांच इंसान को तो कि नमस्कार आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। मेरे ठीक पीछे आप जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देख सकते हैं, जो अग्निशामक गाड़ियां हैं, और मस्तान मजीद का ये इलाका है। तकरीबन यहां पर अभी जो है 3:15 बज चुके हैं, रमज़ान का महीना है और एक बहुमूल्य मुस्लिम जो है बस्ती है जुहापुरा की, इस विस्तार की। मैं सीधा आपको इस घटना के बारे में जानकारी दे दूँ कि यहाँ से सीधा मस्तान मजीद के पास में एक फ्लैट आया हुआ है, वहाँ पर जो है आग लगने की घटना है। आग लगने की जो वारदात है अभी तक की सबसे बड़ी जो है ये घटना मानी जाती है जुहापुरा विस्तार की, कि यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी है। काफ़ी जो है फैमिलीज़ ऊपर फंसी हुई थी, फायर ब्रिगेड की जो टीम है समय सूचक से यहाँ पर पहुँची है और कई लोगों को ऊपर से जो है निकाला गया है। ये ठीक आप भीड़ देख सकते हैं, आपको लगता होगा कि तकरीबन ये 9-10 बजे हैं, लेकिन समय अभी भी आप देख सकते हैं कि 4 बजे हैं, रमज़ान का महीना है। इस समय पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं सहरी के लिए जो है उठा करते हैं, और आप देख सकते हैं इस फ्लैट को। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सीधा यहाँ पर ये फ्लैट को दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है आग की वारदात सामने आई है, शॉर्ट सर्किट की घटना जो है सामने आई है। यहाँ पर सारे जो परिवार के लोग हैं बाहर आ चुके हैं, फ्लैट में कुछ रहने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हकीकत थी, क्या वारदात हुई है? जी हकीकत ये है कि मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, मेट्रो मेंशन में, और हमारे फ्लैट के अंदर कुछ नुसंस ऐसे चल रहे हैं कि कुछ लोग असामाजिक तत्व जो हमको चैन से नहीं रहने देते, और ये मेरे ख्याल से ऐसा है कि ये उनका ही कराया धराया है। जो 70 मकान है, 70 मकान की पब्लिक तुम गिनो कितनी है। जब हम रात को 2 बजे उठे तो धुआं धुआं था, हम सब घबरा गए, बच्चे औरत लेडीज सभी घबरा गए। फिर धीरे धीरे हम जैसे जैसे सब अपने अपने इससे बाहर आए, हम हमारे इससे बाहर आए, कुछ लोग कुछ औरतें को हमने ढाबे पे चढ़ा दी। अब ये फ्लैट के अंदर ऐसा नुसंस है कि यहाँ चोरी चरस गांजा दारू सभी हर चीज़ हो रही है, और यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। हम पुलिस में भी कंप्लेन करते हैं तो पुलिस भी बोलती है हम क्या करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ इसका कोई एक्शन लीजिए आप, ताकि ये फ्लैट का एक जो नाम ख़राब हो वापस रिप्लेस हो जाए। मेरी आपसे गुजारिश है। चलिए एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बताया जा रहा है इस फ्लैट के नीचे। हाँ इस फ्लैट के नीचे जो है जी, ये भाई जो भी होगा वो नहीं बचेगा, पुलिस के हाथ से बच जाएगा, मेरा हाथ से नहीं बचेगा। मार डालूंगा क्योंकि मेरे दो बच्चों को मैंने जीव के जोखम से लेकर आया हूँ। जो भी होगा खाली मेरे को बता देगा कौन था, उसको पुलिस स्टेशन में देख के भी मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो ही होगा, ये रास्ता अभी चलने के लिए भी बाकी नहीं रहा है, और अंदर की अगर आग की हम बात करें तो काफ़ी जो है आग लगी है, आगजनी के चलते लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। फायर ब्रिगेड की टीम आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ परिवार के लोग यहाँ से बचाव करके अपने आप को बचा कर निकले हैं।
कुछ लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है सीढ़ी लगाकर। अंदर की आप अगर तस्वीर देखें तो पूरा जो है पार्किंग आग में तब्दील हो चुका है, और आग कुछ इस तरह की है कि अभी भी जो है धुआं आग का हमारी तरफ आ रहा है। लोग जो है गुंगड़ामठ से जो है अंदर आग की धुएँ की वजह से भी वो लोग श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं काले धब्बे आप देख सकते हैं कि जो बाहर के लोगों का ये कहना है, यहाँ के विस्तार के लोगों का और यहाँ के रहने वाले जो विस्तार के लोग हैं उनका भी ये मानना है कि किसी की जो अगर सामाजिक तत्वों का अड्डा बना है यहाँ पर तो उनकी ही करतूत के वजह से ये आग को जो है अंजाम दिया गया है। आप यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी देख सकते हैं। आग का प्रकार कुछ इस तरह का था कि अगर समय सूचक थे फायर ब्रिगेड की टीम ना पहुंची होती। आप देख सकते हैं मासूम बच्चों को, कितने छोटे बच्चों को ऊपर से लेकर अभी भी जो है आवाम निकल रही है, ऊपर रहने वाले जो लोग हैं नीचे उतर रहे हैं। फायर की टीम जो है पूरी तरह से यहां पर लगी हुई है। ये गाड़ियां इस तरह से जली हुई है, ये गाड़ी इस तरह से, ये आवाम जो है वो अभी गुस्साई है यहाँ पर और कह रही है कि आग लगाई है, और तमाम को जो है हाँ ये काम इनको इनका काम करना, तो वो आपकी मदद में है। ठीक है, आप बाहर आ जाओ। तो लोग जो है अभी भी यहाँ पर गुस्सा में है, पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, फायर की टीम मौजूद है। मैं फिर से एक बार आग का प्रकार दिखा दूँ आपको कि किस तरह से जो आग लगी, अगर आग जनी जो है यहाँ पर समय सूचक थे फायर की टीम ने इस पर कंट्रोल ना पाया होता तो काफ़ी जो है मौत की घटनाएं, मौत की वारदातें, संख्या सामने आ सकती थी। अभी भी हमारी टीम जो यहाँ पर है, धुआं भी जो है दिख रहा है यहाँ पर, और उसकी गर्माहट जो अभी भी हम महसूस कर सकते हैं, इस तरह की आग है। काफ़ी सारे वाहनों को नुकसान किया गया है। आप ऊपर सीलिंग वगैरह सब देख सकते हैं, गाड़ी की हालत देख सकते हैं कि गाड़ी जो है पूरी आग के अंदर जो आग की लपेट में है, और पूरी गाड़ी का जो हार्ड पिंजर बन चुकी है। लोग यहाँ पर काबू में नहीं है, काफ़ी लोग यहाँ पर अपने मकानों को छोड़कर नीचे की तरफ आ चुके हैं। ऊपर अगर हम जाएं तो मैं यहाँ से सीधा अगर आपको ऊपर की तरफ ले जाऊं कि आग किस तरह की थी, तो ये पूरा जो है पार्किंग इलाका है, और यहाँ से जो अभी भी कुछ फैमिलीज है वो यहाँ पर फंसी हुई है। मैं आपको बता दूं कि कुछ फैमिलियाँ जो है अभी भी फंसी हुई है, और लोगों को अभी भी जो है ऊपर से रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम लोग जो हैं ऊपर से नीचे लाने के लिए उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो लोग रेस्क्यू करके फायर ब्रिगेड की टीम के साथ लोगों को नीचे ला रहे हैं। प्रशासन की टीम लगी है, और हम सीधा आपको ये तस्वीर, काफ़ी सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पर, 70 फ्लैट बताए जा रहे हैं, और 70 फ्लैट की जो जनता है यहाँ पर फंसी हुई है। ये सीधा आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी अपने आप को बचाकर निकल रहे हैं, और यहाँ से जो है गर्माहट आ रही है, इतनी और इतना धुआं यहाँ पर मौजूद है। झपेट में कई वाहन आ चुके हैं, और कहीं जो है मीटर्स है, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है वो तमाम अभी जल के खाक हो चुके हैं। रमज़ान का महीना है, मज़ा तीसरा जो है रोज़ा है, चौथा रोज़ा है, तो उसकी शहरी के जो समय पर ही यहाँ पर आग लग चुकी है, और तमाम लोग जो है अपने आप को बचाकर बाहर की तरफ निकले। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, और ये केबल आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है आग लगी होगी। ए इधर सोहेल। तो अब जो ये परिवार है अपना घर छोड़कर, अपना आसियाना छोड़कर, रमज़ान महीने में लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं। आप लोग ऊपर रहते थे जी, क्या वारदात हुई थी, क्या देखा आप? देखा तो कुछ नहीं, बस ये आग लगी भड़के हुए, ये सब देखा हमने, और हम सब खुले एक घर में धाबे पे भागे। हाँ, सब बचा हुआ, हम सब धाबे पे भागे। हमारे घर तो कोई ऐसी हालत हो गई हमारी तास की, हमारे बच्चे रोते थे सब, हम सब ऊपर भागे। फिर अल्लाह ने हिफाजत करी। आपका कारण क्या बताया? वो नहीं पता, मैं कारण नहीं पता, हम तो सो रहे थे, नींद में उठ के भागे। अभी ये रमजान का महीना है, और आप और हम देखो तो बाहर शहरी का टाइम है, हमारा रोजे भी गए, हमारे कलकत्ता बड़ा जुम्मा का दिन का रोजा था, सब हमारा रोजे भी चले गया।
तो ये बच्चों पे भी आप देख सकते हैं कि काले धब्बे जो है इनके चेहरों पर, वो दाग छोड़ गए हैं, जो इनका आरोप है यहाँ के रहने वालों का कि असामाजिक तत्वों के चलते ये कोई वारदात अगर की गई है तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, ऐसा यहाँ के लोगों का। लेकिन ये आप हाथ देख सकते हैं, धुआं की झपेट में इनके चेहरे और आग जो है यहाँ पर दाग और निशान छोड़ गए हैं। तमाम लोग इस वक्त, रमज़ान का महीना है और तीसरा या चौथा रोज़ा है, सहरी अभी सहरी का वक्त बिल्कुल करीब है और ये लोग जो है अपना परिवार अपना घर छोड़कर, आसियाना छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। इन्हें आसपास के लोगों से तो जो है मदद मिलेगी, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे जो असामाजिक तत्वों का अगर हाथ है तो उन्हें सख्त से सख्त कार्यवाही, ऐसी उनकी मांग है। आग लगी नहीं लगाई गई है, अगर दो मिनट भी दे जाती तो पब्लिक अंदर ही अंदर मर जाते। वो तो रमजान का मुबारक महीना है तो पब्लिक ऊपर चली गई जागते जागते, कोई अंदर सोता रह जाता तो मर ही जाता। लगाई गई है आग। कितने बच्चे थे आपके यहाँ? मेरे दो बच्चे थे, वो दो हम हस्बैंड वाइफ चार जने थे। अभी मेरी बच्ची गुम हो जाती तो मर जाती। अभी आप लोग सब सुरक्षित हो? हाँ, अभी सुरक्षित है हम। और सब परिवार के लोगों को निकाला गया अंदर से सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित निकाला गया। हाँ जी, असामाजिक तत्वों की ही बात तमाम जो है परिवार के लोगों से आ रही है। कई लोग जो है फंसे हुए थे, सबको एक एक कर निकाल तो लिया है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार जो है ऊपर फंसे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम जो रेस्क्यू कर रही है, और रेस्क्यू के चलते तमाम परिवार को एक के बाद एक यहाँ से निकाला जाएगा। और तमाम विस्तार जो है पूरा यहाँ पर बाहर निकल चुका है, लोगों की भीड़ जमी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू करके लोगों को सामने के घर में ले जाया जा रहा है और कोई भी जानहानि की घटना नहीं है। ये सबसे बड़ी जो है खुशखबरी है कि यहाँ पर कोई जानहानि की घटना नहीं है, लेकिन माली नुकसान की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ नुकसान यहाँ पे रहने वाले परिवारों का हुआ है। जी, क्या कहोगे आप इस फ्लैट में रहते हो, आज की घटना आई है सामने, क्या वजह होती है? देखो, ये तो मेरे रब का, मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि रमज़ान की फजीलत से हमारे फ्लैट के अंदर 70 मकान है, 70 मकान की जान अल्हम्दुलिल्लाह सबको कोई जान हानि नहीं हुई है, सबकी जान बची है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन हमारे फ्लैट में, हमारे फ्लैट के नीचे पार्किंग में जो नीचे चरस दारू गांजा जुगाड़ हर चीज़ होती है, और ऐसा सुनने में आता है कि हमारे फ्लैट का जो हैंडलिंग कर रहा है उसको एक इंसान बोल के गया था कि पूरे फ्लैट को जला दूंगा, तो उसका काम था पुलिस चौकी में जाके बोलना कि भाई इस तरह से मुझे धमकी देके गया है, ये उसके फर्ज में आता था। आज 70 मकान के अंदर लोग गिन लो, तुम एक मकान में तुम डिवाइड करो 5 इंसान को, तो कितने FIR उसके बारे में 2 बार हो चुकी थी, सुबह हुई थी, दोपहर में भी हुई थी, लेकिन बंदा रात को भी आके यहाँ गालियाँ दे रहा था, रोड पे गालियाँ दे रहा था, इतना हमारे को उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसने ये ज़रूर बोला था कि मैं पूरी पार्किंग जला डालूंगा। अभी रीज़न पता नहीं चला है कि ये गाड़ी जलाने से आग लगी है या फायर होने से आग लगी है। जब तक पुलिस या फायर ब्रिगेड कोई रीजन डिसीजन नहीं लेते हैं, वहाँ तक कोई पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, समझे आप? ठीक है, ये फ्लैट में 13 सालों से रहता हूँ, खड़े रहिए भाई, खड़े रहिए भाई, मैं ये फ्लैट में 13 सालों से रहता हूँ, खड़े रहो यहाँ 2 मिनट, खड़े रहो इलियास भाई, खड़े रहो इलियास भाई, कोई दादागिरी है, दादागिरी है, मैं ये दादागिरी है।